गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह ऐसा खतरनाक सरप्राइज़ मिला है, यू कांट बिलीव। मैं दुआ करूँगा भगवान से ऐसा सरप्राइज़ कोई दोस्त किसी को ना दे, सिर्फ मेरे दोस्त मुझे दे। गाइस इतना सुपर सरप्राइज़ मिला है ना, मैं आपको थोड़ी देर में बता दूँ। अभी मैं नींद में हूँ, फटफट सलोन जाके भी आया हूँ, पैकिंग करनी है और मैं भागने वाला हूँ दिल्ली दिल्ली। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मेरा दिल्ली का प्लान अचानक से कैसे बन गया, तो गाइस मेरा कोई दिल्ली का प्लान नहीं था। कल रात को मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, तो वो मेरे से पूछ रहा था तू दिल्ली आ जा यहाँ पे न्यू ईयर मनाना। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, मुझे यहाँ पे दुनिया भर के काम है, बंगलों पे पार्टी है और भी मेरे फ्रेंड लोग को देखने हैं। गाइस बिलीव करोगे, आज मॉर्निंग में उस कमीने ने बिना बोले मुझे टिकट भेज दिया। और सुबह जब सो के उठा तो देखा तो टिकट, वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे सो के उठ गया। 4 बजे की ट्रेन है मेरी राजधानी, वरना अगर मैं सो के उठता, मैं नॉर्मली सो के उठता हूँ 3 बजे या 4 बजे, तो आज मेरी ट्रेन भी मिस हो जाती है। भाई साहब ने ना कॉल किया ना मिस कॉल दिया कि मेरी ट्रेन है। 12 बजे आँख खुली, देखा टिकट, फक। और अभी कॉल करके बोलता आ जा, तो गाइज मेरा भी दिल है अभी जाने का। इतने प्यार से उसने पूरा टूर स्पॉन्सर किया है, मेरा आना जाना रहना खाना पीना पार्टीज की एंट्री हर चीज़ उसने स्पॉन्सर की है। एंड गाइज वो मेरा, वैसे आपने उसको मेरी स्टोरीज पे बहुत बार देखा होगा, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया नहीं देखा, बिकॉज वो दिल्ली शिफ्ट हो गया है और काफ़ी मेरा अच्छा दोस्त है एंड बहुत हैंडसम है एंड काफ़ी पैसे वाला है, इज वेरी रिच। तो उसको आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे दिल्ली जाने के बाद, एक बार दिल्ली पहुंच जाने दो। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हेलो दिल्ली, दिल्ली के जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं, इंशाल्लाह अगर होप आप लोग फ्री हो, मैं फ्री हो, तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलने की कोशिश करेंगे। एंड सी यू, एंड आई एम कमिंग, आई एम एक्साइटेड। गाइस आप लोग मेरा वेलकम कर रहे हो, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, या आप लोग मुझे भगा रहे हो अभी से डरा डरा के कि दिल्ली में इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है, मैं आऊँ या नहीं आऊँ। और वैसे भी कितनी भी ठंडी रहने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मेरी हॉटनेस के आगे हर अच्छी अच्छी ठंडी। गाइस आप लोग मेरा वेलकम कर रहे हो, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, या आप लोग मुझे भगा रहे हो अभी से डरा डरा के कि दिल्ली में इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है, मैं आऊँ या नहीं आऊँ। और वैसे भी कितनी भी ठंडी रहने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मेरी हॉटनेस के आगे हर अच्छी अच्छी ठंडी। माई गॉड गाइज, ये देखो ट्रेन में कोई भी नहीं है और ये मेरे डब्बे की एंट्री है। वाओ, एक स्मार्ट सा लड़का बैठा हुआ है, आई विश ये मेरी ट्रेन में आए। ओ माई गॉड, मेरी सीट कौन सी है, मैं अकेले। सो गाइज ये आपके प्यारे से खूबसूरत से नवाब साहिल है, जो इस वक्त दिल्ली जा रहे हैं इस ट्रेन में, जिस ट्रेन में काला कुत्ता नहीं है, दूर दूर तक आप देख सकते हो कोई नहीं है, सिर्फ पेंट्री बॉय है और मैं हूँ और कोई। गाइज दिल्ली जाने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है सोहेल। गाइज आप लोग बिलीव नहीं करोगे, वो बंदा जहाँ जाता है अपने फैंस बना लेता है। यार मेरी इतनी चलती है ना उससे, मतलब वो कहीं पे भी जाए, मुंबई जाए, दिल्ली जाए, हाल ही में नाला सुपारा गया, वहाँ फैंस बना लिए, मेरे बंगलों पे आया उसने फैंस बना लिए। यार मैं पूछा भाई इतने सारे फैंस कैसे बना लेता है तू, मतलब क्या टेक्निक है तेरे अंदर, मतलब मुझे कुछ तो एडवाइस दे। तो उसने मेरे को बताया, अरे भाई मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। गाइस जाने से पहले मैं मेरे एक फ्रेंड का राज खोल के जाना चाहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है सोहेल, की मुंबई मीरा रोड में रहता है। गाइस वो इतना मल्टी टैलेंटेड बंदा है ना, मतलब वो बंदे को मैंने खुद देखा है, वो जहाँ जाता है फैंस बना लेता है, मतलब मुंबई जाए, दिल्ली जाए, नाला सुपारा जाए, कहीं पे भी जाए, वो इतने फैंस बना लेता है। मतलब उसके अंदर इतनी क्वालिटी है ना, मतलब मेरे बंगलों पे आया तो बंगलों पे आते ही उसने फैन बना लिए। मैं बोला यार क्या बंदा है यार, मैंने उसको पूछा भाई मतलब इतना टैलेंट, इतने मल्टी टैलेंटेड कैसे हो, थोड़ा मुझे भी एडवाइस दे। तो बंदे ने मेरे को बोला, अरे भाई मैं टेक्नीशियन हूँ, टेक्नीशियन है, फैन बना लेता है। गाइस मैं नवाब साहिल एक सॉन्ग गाना चाहूँगा, वो डेडिकेट करना चाहूँगा बेगम जान को। बेगम जान मतलब मैं नवाब साहिल और मैं बेगम जान के लिए ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगा, स्पेशली बेगम जान जा रही है दिल्ली इसके लिए। सो 1 2 3 4 हाय हाय रे लल्ला तेरो जियो रे लल्ला, हाय हाय रे लल्ला तेरो जियो रे लल्ला। राजधानी एक्सप्रेस में बैठी बेगम जान को लग गई ठंड। क्या बोला मैंने, राजधानी एक्सप्रेस में बैठी बेगम जान को लग गई ठंड, और ठंडे में बेगम मांगे बड़े बड़े। हाय हाय रे, वो जो फिलिंग का ब्लैंक्स था गाइस, वो लोग आप वो पूरा कंप्लीट कर देना, आप लोग देखता हूँ कितने लोग सही बोलते हैं। हेलो गाइस, दिल्ली अभी तक आया नहीं है, लेकिन दिल्ली की हवाएं अभी तक आ रही है
और मुझे अभी से ठंडी लग रही है। मैंने कार्डिगन पहन लिया है, चादर निकाली है, ब्लैंकेट निकाली है, और साले लोगों ने एसी भी इतनी फास्ट करके रखी है ना। हेलो गाइस, रात के 2:30 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं भोपाल स्टेशन। मेरे तो भोपाल पे कुल्फी जम रही है। दिल्ली में कैसे सर्वाइव करूंगा मैं, बाप रे मजा आ रहा है। लेकिन गाइस सीरियसली थोड़ी थोड़ी करके सब निकलती जा रही है। अभी ट्रेन में चाय ली है, वो भी ठंडी हो गई है। बाप रे, बस दिल्ली आने वाला है गाइस। ये देखो ओके गाइस, सो मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं और दिल्ली का नज़ारा आप कुछ देख सकते हो। सारे के सारे लोग जैकेट में बड़े बड़े कम्बल ओढ़ के लेते हैं और मैं देखो नहीं, अभी धूप हो रही है, अभी इतनी ठंडी नहीं है। सो गाइस आई एम इन दिल्ली। सो गाइज मैं आ गया हूँ दिल्ली और ये जहाँ रुकने वाला हूँ ये है वो घर। सो लेट्स सी कौन खुलता है। ओह माय गॉड, तो गाइज आपको दिखाते हैं ये हमारे नक्स मयूर जी का घर, ये किचन। दीदी नमस्ते, क्या बना रहे हो दीदी? मैं परांठी आलू की सब्जी। वाओ दीदी, किसके लिए बना रहे हो आप? आपके लिए। अरे जल्दी जल्दी बनाओ, हम बहुत भूखे, हमने कुछ नहीं खाया है। सीधा आते ही अभी नहाने जाएंगे। वो गाइज हमारा विश्राम रूम किधर है जहाँ हम विश्राम कर सकते हैं? तुम्हारे बिस्तर सजी हुई है। What the fuck is this for me? Yes. Guys, look at the bed. All for you. और ये बेड में मैं अकेले सोऊंगा या मेरे साथ कोई और भी रहेगा? तुम्हारी मर्जी भाई, ये तुम्हारा घर है, तुमको जितने दिन यहाँ रहने। ओके, सो ये क्या है? बालकनी तुम्हारे लिए ताकि तुम रात में यहाँ पे एंजॉय कर सको और थोड़े नैन मटक्के कर सको आजू बाजू वालों से। ओके गाइस, सो ये और आपको दिखा। तो गाइस ये बालकनी है जहाँ बैठ के एटलीस्ट मैं कुछ नहीं तो स्मोक तो कर सकता हूँ। और ये बिल्डिंग्स है, ये हमारे नेबर्स हैं और ये यहाँ की दिल्ली की गलियाँ गाइस, गलियाँ जो गाने गाते थे ना अम्बरसरियाँ। इट्स ब्यूटिफुल हाउस राज, आई लव यू। ओके सो गाइस, आप लोग ने पूरा घर देख लिया होगा। आज मैं जहाँ स्टे करने वाला हूँ और गर्मा गर्म खाना बन रहा है मेरे लिए, आई एम एक्साइटेड। और आई थिंक ये अंकल का रूम है, ये अंकल का रूम है। ओके गाइस, सो ही इज माय फ्रेंड, ये है मिस्टर राज। हेलो राज, हेलो हेलो। सो गाइस आप लोग ने इनको मेरे स्टेटस पर बहुत पहले देखा होगा, बहुत काफी गैप हो गया है हम लोग। हाँ काफी साल हो गए हम लोग मिले नहीं है। एंड ये भी मीरा भाईंदर में रहते हैं, हम एकदम नजदीक में रहते हैं और आज यहाँ पे मिल रहे हैं।
और वैसे आज रात को हम कहाँ जाने वाले हैं, मुझे तो कुछ अपडेट नहीं है, कुछ मुझे बताया वो नहीं है। सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वाह, मुझे घर पहले ही इतना बड़ा सरप्राइज मिला, तू सरप्राइज मिला है, अभी आगे जाके और देखो कितना सरप्राइज। और गाइस हाँ, जिसके घर पे अभी हम आए वो तो मेन बाकी है, अभी टाइम है, अभी वो भाई साहब काम पे गए हुए हैं, शाम में आएंगे और उनसे भी हम आपको मिलाएंगे। तब तक स्टे ट्यून, देखते रहो मेरा दिल्ली का टूर। गाइस एक छोटा सा हेल्प चाहिए आप लोगों से, मुंबई में कहीं पे भी कोई भी इवेंट हो रहा हो, इवेंट इन द सेंस लाइक कोई हुक्का पार्लर क्लब या ढाबा कोई भी कुछ खुला हो, कैसे भी कुछ भी छोटा मोटा भी हो रहा हो, तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे से पूछ रहे हैं, उनको जाना है, तो आप मुझे प्लीज़ या तो कोई एड्रेस दे दो या जो भी इवेंट का कुछ भी मैसेज वगैरह हो तो प्लीज़ मुझे भेज दीजिए।